देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू टार्जन और आप देख रहे हैं पीपी न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं शहर के कर्पूरी चौक पे, जहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। भारत सरकार के द्वारा निकाली गई अग्निपथ योजना के तहत देश और प्रदेश में विभिन्न जगहों पे चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए आज पुपरी में भी फ्लैग मार्च निकाला गया है। हम आपको सीधे लिए चलते हैं पुपरी के अनुमंडल पदाधिकारी श्री नवीन कुमार जी के पास, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो ये फ्लैग मार्च निकाला गया है उसका उद्देश्य क्या है। स्वागत है। आज जो शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया है उसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यह है कि जनता को आश्वस्त किया जाना है कि प्रशासन और पुलिस आपके साथ है, किसी प्रकार के विद्रोह से, किसी प्रकार का राजद तत्व से आप सावधान रहें, पुलिस सावधान है, किसी प्रकार के सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी उनको बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी तरह से पुपरी की सामाजिक सोशल ऑर्डर को जो भी भंग करेंगे उनके लिए प्रशासन लगातार तीन तत्पर है और तत्पर रहेगा। कार्रवाइयाँ की गई हैं और आगे भी की जाएंगी और लोग अमन चांस देखेंगे। आप इतनी भीड़ आज रविवार होने के बाद भी लोग इस विश्वास में है कि प्रशासन जो साथ में काम कर रहा है और लोग अपना काम करें, ये हम भी चाहते हैं। सभी जो का व्यवसायी, आम जनता, आमो खास सभी लोग सामाजिक सौहार्द बनाते हुए शांतिपूर्ण अपना व्यवसाय करें, जीवन निर्वाह। जी जी। तो जैसा कि आपने शुक्रवार को भी देखा था, यहाँ के प्रशासन के द्वारा बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ के जो छात्र, उग्र छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों का प्रदर्शन बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से इन लोगों ने समाप्त कराया। यहाँ के डीएसपी साहब भी मौजूद है, श्री विनोद कुमार जी, हम उनसे भी बात करते हैं कि आज जो ये फ्लैग मार्च निकाला गया है उस पर वो क्या कहते हैं। जी श्रीमान, आज जो ये फ्लैग मार्च निकाला गया है सर, हाँ, छात्रों के आंदोलन को देखते हुए हम लोग यहाँ से अपने पुपरी अनुमंडल में विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए ये फ्लैग मार्च निकाला गया है और ये विश्वास दिलाना चाहते हैं पुपरी के जनता को और व्यापारी मंडल को, जो भी यहाँ के जनता हैं, कि किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था में खलल डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सर, एक जानकारी लेना चाहेंगे कि शुक्रवार के दिन यहाँ जो विरोध प्रदर्शन हुआ था उसमें कितने लोगों पर FIR की गई? FIR दर्ज की गई है। 11 लोगों पे FIR दर्ज की गई है, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित हो गई है। जी जी। बाकी के कुछ दिन का हम गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। जी जी। उस पर कार्रवाई होगी। जी जी। यहाँ पे अन्य पदाधिकारीगण भी मौजूद हैं, हम उनको सीधे लिए चलते हैं जिले के DDC पदाधिकारी महोदय के पास, जो आज के फ्लैग मार्च में यहाँ पुपरी में शामिल हुए हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, बताया जाए आज का जो फ्लैग मार्च यहाँ पुपरी में निकाला गया है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग का उद्देश्य यही है कि लोगों को सुरक्षा महसूस हो, लगे कि हाँ वो महफूज हैं, कहीं कोई की दिक्कत नहीं है, अमन चैन, सांप्रदायिक सौहार्द, सामुदायिक सौहार्द, जिस तरह के सौहार्द कहिए वो बना रहे और यहाँ मार्केट खुले रहें, लोग अपना काम आराम से कर सकें, उनको यह एहसास हो कि हाँ वो यहाँ पे प्रशासन के संरक्षण में वो सुरक्षित हैं, उनको कोई असुविधा नहीं होगी। हम लोग का फ्लैग मार्च इसी पर्पज से निकाला गया कि इस तरह की कोई भी अगर हिंसक, कोई अगर प्रदर्शन होता है हिंसक, तो उनको हम लोग बचेंगे नहीं, अफवाह फैलाने वाले को भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो एक समाज में एक मैसेज जाएगा इस फ्लैग मार्च से कि एक सुख चैन, अमन शांति बहाल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि सर ने बताया कि आज का जो फ्लैग मार्च निकाला गया है वो शहर में शांति और सुकून बना रहे इसके लिए आज ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। यहाँ पे अन्य पदाधिकारी भी मौजूद है, हम उनसे भी जानते हैं कि आज का जो फ्लैग मार्च है वो उसका उद्देश्य क्या है। जी सर, आज का फ्लैग मार्च मेनली लोगों को ये संदेश पहुंचाने के लिए था कि किसी भी तरीके से उपद्रवियों से परेशान होने की जरूरत नहीं है, शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन हो उसके लिए रोक नहीं है, लोकतंत्र में सबको इजाजत है, लेकिन किसी भी तरीके से हिंसक प्रदर्शन को इजाजत नहीं दी जाएगी। जी जी। उसी के लिए एक संदेश था जनता को आज का। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने साफ तौर से कहा कि हिंसा फैलाने वालों को भी किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा, शहर में शांति और सुकून बनी रहे इसके लिए आज ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। आज यहाँ पे मौजूद है शहर के कार्यपालक पदाधिकारी महोदय भी, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये आज और ये आज अपने शहर का माहौल कैसा महसूस कर रहे हैं वो। जी सर, बताइए आज
शहर का माहौल के बारे में। जैसा कि ऐसा आप लोगों को पता है कि हम लोग जब से ये अग्निपथ योजना के आलोक में जो लोगों के द्वारा, छात्रों के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया था, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से उसको हम लोग सॉर्ट आउट किए। हमारे जो वरीय पदाधिकारी हैं उन लोग का बहुत अच्छा खासा सहयोग रहा। हम लोग भी लगातार मूवमेंट में हैं। बस यही हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि मतलब कि मेरा शहर सुरक्षित रहे, लोग जो लोगों में असुरक्षा की भावना ना हो, इसी को लेकर हम लोग मूवमेंट में हैं और आशा करते हैं कि हम लोग इसी तरह से अपना गुजार लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जैसा कि मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि वो दिखाएं, यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है जो शहर की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज को लाइक शेयर फॉलो करते रहें। पुपरी न्यूज आपकी आवाज, हर पल आपके साथ। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना।